आइए बात करते हैं आचार्य अवधेश कुमार पांडे जी से। पंडित जी, जन्माष्टमी की तैयारियां कैसी चल रही मंदिर में? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। जन्माष्टमी का स्मरण होते ही भगवान के चरणारविंदों में स्नेह उत्पन्न हो जाता है। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपी गणानाम चलूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि भगवान नंदन नंदन यशोदा नंदन श्री बालकृष्ण लाल की आज जन्मोत्सव हम लोग किस प्रकार से मना रहे हैं। बड़ी धूमधाम से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के नाम पर आप पूछें तो पुष्पों की साज सज्जा और वस्त्र का सुंदर डिजाइनदार भगवान के वस्त्र बनाए गए हैं। 56 भोग भगवान की तैयारी में लगे हुए हैं, 56 भोग की तैयारी हो रही है और विशेष करके लाइटिंग की व्यवस्था आप देख ही रहे होंगे। तो हम लोग विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भगवान नंद नंदन यशोदानंदन बालकृष्ण लाल की जन्मोत्सव में बड़ी धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं। विशेष करके सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रात्रि में ठीक भगवान श्री कृष्ण का 11 बजे महाभिषेक होगा जिसमें दूध दही घी शर्करा मधु से भगवान का स्नान कराया जाएगा। पुरुषोक्त के द्वारा भगवान का विशेष अर्चन किया जाएगा जो शुक्ल यजुर्वेद का 16 ऋचाएँ होती हैं। ओम सहस्र शीरे खागुर्भ सहस्राक्ष सहस्रपाद सभोमिगुम सर्वतत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। इस प्रकार से भगवान नंदन भगवान बालकृष्ण की महाभिषेक दूध दही की शर्करा मधु से कराया जाएगा। उसके उपरांत गोविंद की अर्चा विग्रह प्रारंभ होगी। शोर से भगवान की पूजा की जाएगी। माखन और मिश्री का भोग लगाया जाएगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की ठीक 12 बजे आरती की जाएगी। आरती के उपरांत भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा।